इसको डीमिस्टिफाई करना जरूरी है बिकॉज वन हैंड वी सी परसेप्शन लेवल, आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेटिस्टिक्स लेवल, परसेप्शन लेवल अभी बहुत सारा स्टूडेंट जो पहले कभी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने का सोचते भी नहीं थे, सारे लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ता है, डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेस में होते हैं। हमारा यहाँ इतना मेडिकल कॉलेज बढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े, पॉलिटेक्निक बढ़े, लास्ट डिकेड अगर हम लोग देखे तो हमारा कुल मिला के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का काम हुआ लास्ट डिकेड में। लेकिन यूनिवर्सिटीज आए, रॉयल ग्लोबल आए, काजीरंगा आए, डाउनटाउन आए, तीन यूनिवर्सिटी जो अच्छा स्टूडेंट भी है, तो इसको मेरा लगता है या तो हम वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एनरोलमेंट प्रोसेस, सेंसस प्रोसेस द वे वी शुड हैव बीन, और समवेयर देयर इज अ रॉन्ग। ये क्या इशू है? मेरा लगता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका बारे में सोचना चाहिए। और मेरा जो इम्प्रेशन है इमीडिएटली that we have not participated wholeheartedly in the process. Smart portal में अभी तो इस साल शुरू हुआ, उसका आगे तो शायद institution को ही data देना था, शायद हमने data नहीं दिया है, मेरा ऐसा लगता है। So we can quickly ask some of the universities whether they have given the data or not. फिर हमारा और एक बात सोचना है कि अगर इन स्पाइट ऑफ गिविंग डेटा हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो हमें क्विकली कुछ काम करना चाहिए। कम से कम कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट इमीडिएटली वी शुड इंट्रोड्यूस, लोगों को हायर एजुकेशन का एक्सेस और देना चाहिए। सो इसका बारे में गंभीरता से हमें सोचना चाहिए कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। इफ स्टेटिस्टिकल फाइन, एक समय हुआ था हमने बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स में इन द लास्ट थ्री इयर्स आई हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ आवर नॉन पार्टिसिपेशन हमें कोई सेंसस कोई स्टेटिस्टिक्स में हमें आसाम को नीचे दिखाया था, इन द बिलो रैंकिंग में था। बट वंस डिपार्टमेंट स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग होल हार्टेडली इन द प्रोसेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन, हमारा कोई सारा डिपार्टमेंट में हमारा यार्डस्टिक अच्छा हुआ है। आई देता है कि नेक्स्ट 15,000 लोग तो कम से कम हायर एजुकेशन में आए हैं, मेडिकल में ही 2,000 लोग आए हैं, फिर बीएससी नर्सिंग हुए, एमएससी नर्सिंग हुए, काफी आई मीन इन ओडीएल कोर्सेस आए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू हुए, तो इसका बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो भारत सरकार का मीटिंग वीटिंग में जाता हूं तो हम लोग को बहुत डिफेम होना पड़ता है। सो दिस इज वन रिक्वेस्ट मैं सबको करता हूं, उसका बारे में थोड़ा सा सोचिए।